तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका पार्ट टाइम एडिटर। तो आज हम देखेंगे कि हम इस तरह की विंग्स वाली एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम ऐप यूज़ करके। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे पिक्सआर्ट ऐप की तरफ। हमने हमारी फ़ोटो कर लिया है इम्पोर्ट। यहाँ से सिंपली जाएंगे हम ये स्टिकर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे विंग्स, और यहाँ से हम ये वाले विंग्स को चूज़ कर लेंगे। इनका हम साइज़ को कर देंगे बड़ा, और यहाँ से चलेंगे हम फिर इरेजर टूल पे, फिर इरेज पे इसकी हार्डनेस को कर देंगे फुल, एंड साइज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फोटो को जूम करते हैं और ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम कर देते हैं इरेज। तो यहाँ से हमने हमारे विंग्स को कर लिया ऐड, और यहाँ से सिंपली कर देंगे हम इसे डन। फिर हम फिर से चलेंगे स्टिकर वाले सेक्शन में, और यहाँ हम सर्च कर लेंगे अब फेदर्स। फेदर सर्च करने के बाद हम यहाँ से ये ब्लैक कलर के फेदर को चूज़ कर लेंगे। ये वाले इनके साइज़ को कर देंगे बड़ा, और इसको हम अपनी फ़ोटो के हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट। तो यहाँ से हमारी फ़ोटो हो चुकी है तैयार। यहाँ से हम इसे कर देंगे डन, और इसे कर लेंगे सेव। अब हम करेंगे इसकी कलर ग्रेडिंग को स्टार्ट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हम हमारे लाइटरूम ऐप का। तो चलिए लाइटरूम ऐप की तरफ चलते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे लाइटरूम ऐप की तरफ। हमने हमारी फ़ोटो कर लिया है इंपोर्ट। तो सबसे पहले जाएंगे हम हमारे लाइट वाले सेक्शन में। तो यहाँ से फ़ोटो का एक्सपोजर कर लेंगे हल्का सा कम, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा लेंगे, हाईलाइट्स को कर देंगे कम, एंड शेडोज़ को भी थोड़ा सा कम, वाइट्स थोड़े बढ़ा देंगे, एंड ब्लैक्स कर देंगे कम। फिर हम जाएंगे हम हमारे कलर वाले सेक्शन में। यहाँ से फिर हम जाएंगे हमारे मिक्स टूल में, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑरेंज कलर, और इसका लुमिनेंस बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे फेस स्किन का कलर है वो थोड़ा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ी रेडिश सी टोन आने लग जाए तो आप उसमें उसका यू प्लस की साइड कर दें, उससे आपके स्किन कलर ठीक हो जाएंगे। फिर यहाँ से चलेंगे हम हमारे ग्रीन कलर की तरफ। इसके यू को कर देंगे हम हल्का सा नेगेटिव, एंड इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे नेगेटिव की साइड अराउंड 81। फिर हम यहाँ से जाएंगे हम हमारे ब्लू कलर की तरफ। इसके यू को कर लेंगे हम बिल्कुल नेगेटिव की साइड। इससे क्या होगा कि हमारी फ़ोटो में थोड़ा टील टोन आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ से कर देंगे हम इसे सिंपली डन। फिर हम यहाँ से जाएंगे हम हमारे टेक्सचर वाले सेक्शन में, एंड फ़ोटो के टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे, फ़ोटो क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एंड फ़ोटो में थोड़ा सा डीहेज करेंगे, एंड थोड़ा सा विनियंट ऐड करेंगे नेगेटिव की साइड ले जाकर ना वो। फिर हम यहाँ से जाएंगे हम हमारे सिलेक्टिव टूल की तरफ, और यहाँ से हम एक स्क्वायर ग्रेडियंट ड्रॉ कर लेंगे नीचे से ऊपर की साइड, और इधर से हम इसके एक्सपोजर को कर देंगे हल्का सा कम, एंड इसकी क्लैरिटी को बढ़ा देंगे। इससे फ़ोटो में एकदम से एस्थेटिक सी लुक आ जाती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। हमारी फ़ोटो में क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है, इसको हल्का सा कम कर देते हैं इतना बहुत, थोड़ी सी एक्सपोजर को भी बढ़ा लेते हैं। तो हमारी फ़ोटो हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इसमें कितनी अच्छी टोन आ चुकी है। इसे हम सिंपली कर लेंगे शेयर, सेव टू डिवाइस। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।